वेलकम है आप लोगों का मेरे न्यू व्लॉग में। तो फ्रेंड आज मैं सुबह सुबह मम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ क्योंकि आज कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि आज करवा चौथ है, तो मैं मम्मी को मेहंदी लगा रही हूँ। उसके बाद मैं और मेरी सिस्टर मिलकर तोड़ रहे हैं मिर्ची के डंठल। मिर्ची मैंने कल धोकर सुखाई थी, आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो यहाँ पे मिर्ची भी तोड़ रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए हम आए हैं अपने मामा के वहाँ पे, और ये देखिए मोहिनी भी हम लोगों के लिए अमरूद तोड़ रहे हैं ना। अंश के लिए भी तोड़ रही है, अंश भी तोड़ रहे हैं। हाँ जिसको खाना ना जल्दी से कमेंट में बताए, फिलहाल हमें तो बहुत ज्यादा ही पसंद है। और ये देखो नैना भी आ गई, शैतान शैतान। तो दीदी के पीछे अगर आप लोगों को ना सांप की पूंछ दिख रही है तो हमें प्लीज कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये रहा अमरूद, फेंको फेंको फेंको। हमें भैया बड़ा डर लगा थे कब थोपड़ा टूट गवा तो क्या होगा। नैना देखें, लाओ हमको, लाओ दिखाएं, लाओ अंश, नैना दो हमको। वाओ अभी दीदी तोड़ रहे हैं। नैना नैना को, नैना को कैच कर, कैच करो नैना, कैच करो। ओए नैना कहाँ कैच कर पाएंगी नैना, अरे तुम ना गिर जायो। हाय आएगा, ये देखो तोड़ रहे हैं ये दे। तो हुआ ऐसा कुछ कि दीदी ने अमरूद तोड़ के नीचे डाला, अंश को लगा कि जो हम तोड़ रहे थे वो नीचे गिरा है, वही है। चलो वही है, कोई नहीं। तो मेरे पास भी हो गया है देखो नैना तुम्हारा। ओए नैना दो, नैना दो ली है, चोरी कर रही है नैना। अभी एक पाक चाहिए इनको। तो ये हो गई कुछ लड़ाई, दो दो हमको भी दो चाहिए ना, हमको भी दो दो, लाओ दो दो हमको भी। हाँ ये देखो साइड में, हाँ ये हाँ। तो रहन दो दीदी, उतर आओ दीदी, उतर आओ दीदी। ये देखो पास में ही तो लगा है, अबे ये बेकार है, बहुत बेकार भी, बहुत 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 बेकार ब्लॉग बना रहे हैं। आवाज तुम हटा दे हो, अरे गिर गया, आजा। तो फ्रेंड ये दीदी का सांप, तो ये हो गया शंकर जी का जूड़ा हो गया। देखा ये मेरा लग रहा, ये राजता। अब हम जा रहे हैं घूमने, तो आप लोगों को इतना कुछ दिखा दिए हम। अब मम्मी को कलर दीदी लगाने जा रही है, तो चलते हैं जल्दी जल्दी के पास, जल्दी 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 चलो मम्मी के पास। तो ये आ गया, मम्मी वहाँ पे है, तो मम्मी को बुला रही है दीदी। मम्मी इस कुर्सी पे बैठेंगी, अमरूद हम दे रहे हैं नैना को धुलने के लिए। चेंज मत करना, अपना दिखाओ हमको। हाँ जाओ धुल, चेंज मत करना। तो ये दीदी जा रही है मम्मी के कलर लगाने। नैना तुम बीच में मत आओ ज्यादा, मेरी तो मामी है ना। हाँ तुम्हारी मम्मी है बट मेरी तो मामी है। तो दीदी लगाने जा रही कलर, हम लोग आप लोगों को एकदम पास से दिखाते हैं ताकि एकदम अच्छा सा दिखे। हम लोगों ने लगाई थी आज मामी के मेहंदी क्योंकि आज करवा चौथ है ना। ये देखो ये दीदी, ये वाला जो हाथ है ये दीदी का है और ये वाला मेरा है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएगा कि किसकी मेहंदी अच्छी लगी है, मेरी अच्छी लगी या दीदी की। देखते हैं सबसे ज्यादा किस पे कमेंट आएंगे, हमारे पे आएंगे। और ये हैं दो चोचले, तो अब लगेगा फिर से कलर क्योंकि उस पे बन नहीं रहा था। तो फ्रेंड सुबह सुबह मम्मी को मैंने मेहंदी लगाई थी और इतने टाइम देख सकते हैं मैं मम्मी को कलर लगा रही हूँ क्योंकि अब मम्मी मेरी जाएंगी करवा पूजने के लिए। मम्मी को कलर लगाने के बाद मम्मी को लगाई मैंने नेल पॉलिश, तो आप लोग देख सकते हैं कैसा लगा है कलर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए।
मम्मी को कलर लगाने के बाद हम आ गए चावल पीसने के लिए, क्योंकि चावल पीसकर उससे हमको कलर करना है मम्मी का करवा। तो देख सकते हैं फ्रेंड, मैं करवा कलर कर रही हूँ चावल के चौरीठा से। क्या आपके यहाँ भी ऐसा होता है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड, करवा कलर करने के बाद हम उसमें भर रहे हैं चावल, उसको हम कलश के रूप में तैयार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको कलश के रूप में तैयार कर रही हूँ मम्मी का करवा। हमारे यहाँ करवे में सीक लगाई जाती है, तो देख सकते हैं फ्रेंड मैं इसमें अब सीक लगाने जा रही हूँ। तो हमारे यहाँ सीकें गिनकर लगाई जाती हैं, गिनकर 7 सीक लगाई जाती है। कि आपके यहाँ भी 7 लगाई जाती है हमें जरूर बताइएगा। मेरी मम्मी करवा पूजने जाएंगी पड़ोस में बड़ी मम्मी के घर में, तो हमारे यहाँ सभी पड़ोसी एक साथ मिलकर करवा पूजते हैं। कि आपके यहाँ भी ऐसे ही मिलकर करवा पूजा जाता है ये भी कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। और अब हो चुका है मम्मी का करवा तैयार, अब चलते हैं मम्मी को वहाँ छोड़ के आते हैं जहाँ पे करवा उनको पूजना है। देख सकते हैं फ्रेंड हमारे यहाँ करवा कैसे पूजा जाता है। पहले तो हमारे यहाँ दीवार पे करवा बनाया जाता था हाथों से, अब तो कैलेंडर ले आते हैं सभी लोग। तो फ्रेंड मम्मी को यहाँ छोड़कर मैं अपने घर वापस आई, तो रूम में हो रही थी बहुत ही ज़्यादा मस्ती, तो मैंने मस्ती का भी पूरा ब्लॉग शूट किया। तो मस्ती का ब्लॉग मैंने पहले ही चैनल पर डाल दिया था, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जरूर देखिएगा। और ये ब्लॉग मैं एडिट नहीं कर पाई थी, इस वजह से इसको मैं आज पोस्ट करूँगी। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को हम यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। टाटा बाय बाय।